माई अनदर वीडियो। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि आज मैं रीजनिंग का टेस्ट लगाया, तो रीजनिंग का टेस्ट में 13 मैंने मॉक टेस्ट में 13 क्वेश्चन सही हुआ। तो मतलब मिनिमम 13 क्वेश्चन तक मैं पहुंच ही गया आखिरकार। और टाइम मैनेजमेंट का बात रहा तो टाइम मैनेजमेंट भी मेरा सही हुआ है इस मॉक में। ये टाइम मैनेजमेंट मेरा कैसे हुआ, 18 18 मिनट में मैं कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो 18 मिनट में कंप्लीट कर लिया था पेपर को। 20 मिनट का टाइम रहता है मिनी मॉक में, तो 18 मिनट में मैंने कंप्लीट कर लिया था। और टाइम मैनेजमेंट भी मेरा आज सही रहा है, तो इतना दिन बाद मैं टाइम मैनेजमेंट को भी सही कर पाया हूँ मेरा, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट लेकर बहुत परेशान था कुछ दिन से, वो मेंटेन कैसे किया कि उसके मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ता है। तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, और कितना मिनट में हुआ वो भी आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 18 मिनट में, मतलब 2 मिनट 12 13 सेकंड ही बचा था। उसके पहले भी मैं पेपर को कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी। तो यहाँ आप लोग को स्कोर भी दिखा दूँ, 23 स्कोर हुआ, 13 13 क्वेश्चन सही हुआ, 5 इनकरेक्ट हो गया, 2 अनअटेम्प्टेड था। तो उसको भी मैं धीरे धीरे ठीक करने का कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को बस यही करना चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तो आपका स्कोर भी इंक्रीज होगा, टाइम मैनेजमेंट भी सही होगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं आज प्रैक्टिस सेट लगा रहा था, तो प्रैक्टिस सेट में देख सकते हो आप लोग, यही जो राहुल सर हैं जो RWS पढ़ाते हैं, तो ये अवतार 2.0 का जो बैच है उसका मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा था। तो आज का स्कोर देखो, मैं इसे प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ आज का 13 स्कोर, मतलब 13 क्वेश्चन में सही किया अपने से। तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस सेट करके एनालाइज कर सकते हो, और तो ऐसे ही कर सकते हो। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा सकते हो, आप लोगों का भी टाइम भी मैनेजमेंट होगा, मॉक का जो मार्क्स है वो भी इंक्रीज होगा। तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो बाकी सब सब्जेक्ट के लिए। और मॉक मतलब मॉक भी लगाओ और प्रैक्टिस सेट भी लगाओ, तो प्रैक्टिस सेट से आप लोग का प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट भी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। और आप लोग को मतलब टाइम भी अच्छा कर पाओगे, जल्दी जल्दी कर पाओगे और फास्ट भी हो पाएगा। तो आप लोग को यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, टाइम मैनेज ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जल्दी करने का कोशिश करना है। जल्दी करोगे जितना उतना टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो उसके अलावा आप लोग मॉक वगैरह डेली लगाते रहो, ऐसे ही इस बार सिलेक्शन हम भी लेंगे, आप लोग को भी लेना है। जय हिंद, जय भारत।